लास्ट स्टोरी ऑफ द डे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है, स्पेशली आज के फास्ट पेस जमाने में जहाँ टाइम जैसी इम्पोर्टेंट कमोडिटी हमेशा कम पड़ जाती है। ऐसे में हम लाए हैं एक ऐसी स्टोरी जो आपके लिए शायद थोड़ी मददगार साबित हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक धनी सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास काफी खेत खलियान थे। उसने सारी जमीन को ठेके पर उठा रखा था, पर अपनी नदी के किनारे वाली जमीन को ठेके पर न उठा पाने के कारण धनी सेठ की पत्नी अक्सर उसे कहती, अरे कितने दिनों से कह रही हूँ कि नदी के किनारे वाली जमीन को भी ठेके पे उठा देते। अरे भगवान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं देना चाहता? कितनी बार तो तुम्हें बता चुका हूँ। क्या बता चुके हो, हमेशा वही पुराना राग अलापते हो कि नदी में आने वाले तूफान के डर से कोई जमीन पर काम नहीं करना चाहता। भगवान सब जानते हैं कि नदी में आने वाले तूफान से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कुछ भी करके उस जमीन को ठेके पे उठाओ। हाँ, अपनी पत्नी के साथ रोज रोज की बहस से धनी सेठ तंग हो गया। उसने काफी लोगों से बात की, पर बात नहीं बनी। ना सुनते सुनते वो परेशान हो गया। पर एक रोज रमन नामक व्यक्ति के मुंह से हाँ सुन उसे आश्चर्य तो हुआ, पर बीवी का ख्याल आते ही उसने रमन को अपने खेत की जिम्मेदारी सौंप दी। रमन पूरे दिन किसानों के साथ खेत पर जी तोड़ मेहनत करता। धनी सेठ उसके काम से काफी खुश था। पर एक रात जब धनी सेठ गहरी नींद सो रहा था, तभी जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट से उसकी नींद खुल गई। सेठ ने उठ के देखा तो तेज हवाएं चल रही थी। वो भागा भागा रमन के घर पहुंचा। रमन को सुकून की नींद सोते देख धनी सेठ को बहुत गुस्सा आया। वो चीखते हुए बोला, अरे गधे बीच के सो रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा तूफान आने का अंदेशा है? खेत में जाओ, जाके देखो वहाँ क्या हो रहा है। सेठ की बात सुनकर भी रमन के चेहरे के भाव नहीं बदले। ये देख